नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर संदीप साहू, आयुर्वेद चिकित्सक रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं स्वास्थ्य और आयुर्वेद संबंधी जानकारी देने वाला चैनल हेल्थ एंड आयुर्वेदा। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे आयुर्वेदिक औषधि आयुर्वेदिक टॉनिक पुनर्नवा अरिष्ट के बारे में। पुनर्नवा अरिष्ट यह एक बेहद अद्भुत और असाधारण दवा है जो एक साथ बहुत सारी तकलीफों बहुत सारी समस्याओं को दूर करने में उपयोगी होता है। पुनर्नवारिष्ट एक ऐसी औषधि है जो अकेले ही एक साथ लीवर और किडनी से संबंधित बीमारियों को दूर करता है और इसके साथ साथ अन्य कई बीमारियों जैसे कि हाथ पैर की सूजन की समस्या, दर्द और सूजन की समस्या, पेशाब संबंधी समस्याएं, खून की कमी, पाचन की कमजोरी तथा अन्य कई समस्याओं को ठीक करने में विशेष रूप से प्रभावकारी होता है, लाभकारी होता है, गुणकारी होता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे इस औषधि पुनर्नवारिष्ट के फायदों के बारे में, मतलब कि यह दवा कौन कौन से रोगों में उपयोगी होता है तथा इसकी मात्रा और प्रयोग विधि के बारे में हम जानेंगे। और पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप मुझसे किसी बीमारी के संबंध में आयुर्वेद संबंधी सलाह लेना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पर मात्र 250 रुपए गूगल पे या फोन पे करके फिर अपनी समस्या मुझे बताकर मुझसे दवा संबंधी सलाह ले सकते हैं। और अगर आप अपने कैरियर, बिजनेस ग्रोथ, शादी ब्याह या अन्य किसी भी समस्या है तो ज्योतिष संबंधी समाधान चाहते हैं तो मात्र 501 रुपए इस दिए गए नंबर पर गूगल पे या फोन पे करके ज्योतिषाचार्य डॉक्टर तरुण जी से ज्योतिष संबंधी, ग्रह नक्षत्र संबंधी उपाय या समाधान की जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के विषय को और जानते हैं पुनर्नवा अरिष्ट के बारे में। पुनर्नवा यह एक छोटा पौधा होता है जिसका वैज्ञानिक नाम बोरहेविया डिफ्यूजा है और इस पुनर्नवा की खासियत यह होती है कि यह गर्मियों में लगभग सूख जाता है लेकिन जैसे ही बरसात आती है यह फिर से हरा भरा होकर नया हो जाता है, इसलिए इस दवा का नाम पुनर्नवा है। और आयुर्वेद के आचार्यों के मतानुसार जिस प्रकार यह स्वयं अपने आप को नया कर लेता है उसी प्रकार इस दवा का उपयोग करने से शरीर की कोशिकाएं भी फिर से नई जैसी हो जाती हैं, इसलिए इस दवा का नाम पुनर्नवा रखा गया है। और इस पुनर्नवा रिष्ट में इसी पुनर्नवा के साथ कुछ और अन्य आयुर्वेदिक औषधियां या जड़ी बूटियां जैसे कि पाठा, गिलोय, बला, अति बला, सुगंध बाला, चित्रक, कंटकारी, चतुर्जात, धातकी, वासा, इन सभी औषधियों को मिलाकर पुनर्नवा रिष्ट को तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। इसमें थोड़ा गुड़ भी मिला हुआ होता है और इसमें लगभग 5-7% मतलब कि 5-7% सेल्फ जनरेटेड अल्कोहल होता है जो कि इस औषधि को और ज्यादा गुणकारी बनाता है। और आइए अब जानते हैं कि यह पुनर्नवा रिष्ट कौन कौन से रोगों में लाभकारी होता है, इसका उपयोग करने से हमें क्या क्या फायदा मिलता है। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं यह दवा किडनी तथा लीवर पर काम करता है, इसलिए किडनी और लीवर संबंधी बीमारियों में इस दवा का विशेष असर होता है। जैसे कि हाथ पैर में सूजन की समस्या, पूरे शरीर में सूजन की समस्या या विशेषकर पैर के पंजों में सूजन की समस्या। कुछ लोगों के शरीर में किडनी की कमजोरी के कारण या खून की कमी के कारण या अन्य किसी भी कारण से हाथ पैरों में सूजन रहता है, पूरे शरीर में सूजन रहता है, विशेषकर पैर के पंजों में सूजन रहता है। तो सूजन की ऐसी स्थिति में पुनर्नवा रिष्ट का उपयोग करने से यह सूजन दूर होती है, क्योंकि यह पुनर्नवा रिष्ट खून की कमी को दूर करता है, किडनी पे काम करता है, डायूरेटिक नेचर वाला होता है और किडनी पे काम करने के कारण पेशाब संबंधी समस्याएं जैसे कि पेशाब का रुक रुक कर आना, बूंद बूंद के रूप में आना, पेशाब का कम आना, पेशाब करते समय दर्द और जलन होना, पेशाब में इन्फेक्शन होना या पेशाब का पीलापन, गाढ़ापन, पेशाब में प्रोटीन जाना, मूत्राशय में सूजन होना, सिस्टाइटिस होना, बीपीएच यानी कि बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी की समस्या होना या किडनी में अन्य किसी भी प्रकार की समस्या में इस पुनर्नवा रिष्ट का उपयोग करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। यह पुनर्नवा रिष्ट किडनी संबंधी या पेशाब संबंधी रोगों में बहुत ज्यादा गुणकारी होता है, हितकारी होता है, लाभकारी होता है। पुनर्नवा रिष्ट लीवर से संबंधित रोग जैसे कि फैटी लीवर, अल्कोहलिक लीवर, सिरोसिस ऑफ लीवर, हिपेटोमेगेली, स्प्लीनोमेगेली, जॉन्डिस, इन सभी रोगों में पुनर्नवा रिष्ट का उपयोग करने से लाभ मिलता है। यह पुनर्नवा रिष्ट हिपेटोप्रोटेक्टिव होता है, मतलब यह नेचुरली लीवर की रक्षा करता है, यकृत की कोशिकाओं को स्वस्थ रखता है, उसकी कार्य प्रणाली को सुधारता है तथा उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। और इस प्रकार इस दवा के उपयोग करने से बढ़ा हुआ बिलीरुबिन का लेवल, SGOT, SGPT का लेवल घटता है, लीवर की सूजन घटती है और इस प्रकार लीवर की बीमारियां ठीक होती हैं और लीवर के स्वस्थ होने से पूरा शरीर स्वस्थ रहता है, पाचन संबंधी दिक्कतें दूर होती हैं।
भूख लगता है, भोजन की खुराक बढ़ती है, खाया पिया हुआ शरीर में लगता है, कब्ज की समस्या दूर होती है, अर्श बवासीर की तकलीफ दूर होती है और IBS में भी यह दवा लाभकारी होता है। यानी कि इस दवा का प्रयोग करने से लीवर फंक्शन और ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है, पाचन संबंधी दिक्कतें दूर होती हैं। पुनर्नवारिष्ट का उपयोग करने से सूजन के साथ साथ दर्द में भी आराम मिलता है, इसलिए दर्द और सूजन संबंधी समस्याएं जैसे कि गाउट, आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटाइड आर्थराइटिस, इन सभी रोगों में भी पुनर्नवारिष्ट का उपयोग करने से लाभ मिलता है। इसके अलावा पुनर्नवारिष्ट का उपयोग करने से खून की कमी दूर होती है, यह हमारे हृदय के लिए हितकारी होता है। साथ ही साथ यह पथरी की समस्या में उपयोगी होता है, बढ़े हुए यूरिक एसिड की समस्या को दूर करता है। और इसके अलावा श्वासकांश यानी कि सर्दी खांसी की समस्या और कुष्ठ किलास यानी कि स्किन संबंधी कुछ समस्याओं में भी यह दवा हितकारी होती है, फायदेमंद होती है। तो इस प्रकार यह दवा बहु उपयोगी होता है, बहुत से रोगों में फायदेमंद होता है। और आइए अब जानते हैं इस दवा की मात्रा और प्रयोग विधि के बारे में। अन्य आसव अरिष्ट की तरह भी इस दवा की सामान्य मात्रा 10 से 20 ml की मात्रा होती है। इसे इतनी ही मात्रा में यानी कि 10 से 20 ml की मात्रा में सुबह और रात में खाना खाने के बाद समान मात्रा में या 1 कप पानी में मिलाकर भोजन करने के आधे घंटे बाद लेना चाहिए। रोग और रोगी की अवस्था के अनुसार यह मात्रा घट और बढ़ सकती है, यानी कि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है। और कई बार रोग की गंभीरता में या रोग गंभीर होने पर केवल एक ही दवा से लाभ नहीं मिलता है, उसके साथ साथ कुछ और दवाइयाँ भी देनी पड़ती है, कुछ और दवाइयाँ लेना पड़ता है, खाना पड़ता है। इसलिए अगर आप इस दवा का उपयोग करना चाहते हैं तो एक बार आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह लेकर ही इस दवा का उपयोग करें, या आप 250 रुपये पे करके सीधे मुझसे भी सलाह ले सकते हैं। तो अगर आप भी किडनी या लीवर की समस्या से परेशान हैं, पाचन संबंधी समस्या से परेशान हैं, तो आप मुझसे सलाह लेकर इस दवा का उपयोग करके स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।